हेलो फ्रेंड्स, तन्वीज किचन में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्रियन ग्रेवी प्रीमिक्स से भिंडी मसाला सब्जी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। और इससे मसाले से आप किसी भी तरह की कोई भी सब्जी बना सकते हैं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि ये इस तरीके से महाराष्ट्रियन मसाला प्रीमिक्स आप कैसे बना सकते हैं और इसको कैसे 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर फ्लेम को ऑन कर लिया है और मैंने यहाँ डाला है 2 बड़े चम्मच ऑयल। और यहाँ पर मैंने ली है ये 250 ग्राम भिंडी और इसको आधा आधा कट कर लिया है बीच से। ये इसको आधा आधा बीच से हमने कट कर लिया है और यहाँ पर ये ऑयल भी गर्म हो चुका है और हम इन्हें इस ऑयल में डाल के शैलो फ्राई करेंगे। आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं ज्यादा ऑयल लेकर, पर अभी मैं जो भिंडी बना रही हूँ उसे ही हम शैलो फ्राई करेंगे। और इस समय पे गैस की फ्लेम मीडियम होनी चाहिए। और 4 से 5 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे। इस तरीके से हमें चलाते हुए पकाना है ताकि भिंडी ऊपर नीचे से दोनों तरफ से पक जाए, यानी जो ऊपर की परत है वो कच्ची ना रह जाए और जो नीचे भिंडियां हैं वो पक जाए। तो दोनों तरीके से हमें पकाना है, यानी वो मिक्स करते हुए, ताकि ऊपर नीचे हम मिक्स करेंगे तो भिंडी इक्वली एक साथ पकेगी। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल मीडियम पे रखना है और भिंडी को हल्का सा गलने तक पकाना है। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हुए हैं और ये भिंडी पकना शुरू हो गई है, लेकिन जब हम इसे इस तरीके से चलाते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा ये तार छोड़ना शुरू हो जाता है इसमें, क्योंकि इसमें मॉइस्चर आ जाता है। जो भाप बनती है पकते समय उससे ये होता है। तो इसके लिए हम आधा नींबू का रस इसमें डाल देंगे ताकि भिंडी का कलर भी ऐसा कैसे रहे और जो ये तार छोड़ रही है भिंडी वो भी ना छोड़े। इस तरीके से हम आधा नींबू का रस डाल देंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर नींबू का रस डालने के बाद मैंने इसे 1 मिनट और पकाया है, क्योंकि भिंडी बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत जल्दी गल जाती है, इसे पकाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो भिंडी तो ये गल के पक चुकी है, इसको कर देते हैं हम एक साइड एक बाउल में। और इसको हम वापस से कढ़ाई को रख देते हैं और इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल, घी या बटर आप किसी में भी इसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है। इसको अच्छे से गरम करेंगे और इसमें हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी 1/2 कप। और ये जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाई है, ये हमने टंकी मीडियम साइज के टमाटर को बॉईल कर लिया और बॉईल करने के बाद इनको पीस लिया है और ये प्यूरी तैयार हो गई है। इस प्यूरी में हमने अभी कुछ भी नहीं डाला है, यानी हमने कोई भी मसाला या नमक इसमें कुछ भी नहीं डाला है। सिंपल प्यूरी तैयार करनी है और इसको ऑयल छोड़ने तक भूनना है। तो यहाँ पर टमाटर का मसाला ये अच्छी तरीके से भून चुका है। जो हमने ये प्यूरी डाली थी, ये प्यूरी अच्छी तरीके से भून चुकी है। इसकी पहचान ये है कि आप ये ऑयल देख रहे होंगे, ऊपर ऑयल आ गया है, तो ये अच्छे से बढ़िया तरीके से भून गई है। अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने महाराष्ट्रियन ग्रेवी प्रीमिक्स बनाया था, इसको हम 1/2 कप ले रहे हैं। 1/2 कप ये ग्रेवी प्रीमिक्स डालेंगे और इसके साथ मिक्स कर देंगे इसे और 1/2 सेकंड के लिए इसको हम भून लेंगे।
अब हम इसमें डालेंगे पानी, हम डालेंगे इसमें आधा कप पानी और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए अच्छे से पानी इस ग्रेवी में मिक्स हो चुका है और हम इसे चलाते हुए मीडियम गैस पे पकाएंगे और इसे भी हमें जब तक पकाना है जब तक ऑयल ऊपर आ नहीं जाता तब तक ग्रेवी पककर तैयार नहीं हो पाएगी। तो इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता और 2 से 3 मिनट में ये देखिए आपको दिख भी रहा होगा ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। तो सिर्फ खाली 2 से 3 मिनट इस ग्रेवी को भूनना है, गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखना है और लगातार चलाते हुए आपको उसको भूनना है। तो यहाँ पर ग्रेवी अच्छे से भून के तैयार हो चुकी है। ये देखिए सारा ऑयल ग्रेवी ने रिलीज कर दिया है क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी चीजें ऐसी डाली थी कि उनका भी ऑयल रिलीज होके आ गया है। जैसे हमने इसमें तिल डाले थे, मूंगफली डाली थी, काजू डाले थे, जितनी भी चीजें हैं उन्होंने भी अपना ऑयल रिलीज कर दिया है। अब हम डालेंगे इसमें आधा कप के करीब पानी। मैंने आधा कप से थोड़ा सा कम पानी डाला है और इसको एक बार और अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे। आधा सेकेंड के लिए भूनना है हमें इसे और अब हम इसमें डाल देंगे ये भिंडी। और इनको मिक्स कर देंगे। सब्जी को बनाते हुए हमें गैस की फ्लेम को स्थिर रखना है या फिर आप इसे मीडियम पे रख सकते हैं, लेकिन इस समय हम मिला रहे हैं इस समय गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल सिम पे रखेंगे ताकि मसाला या भिंडी मिक्स हो सके, जले ना। और अच्छे से मिक्स कर देते हैं और ये भिंडी मसाला सब्जी बनकर तैयार है और इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अगर आपके पास ग्रेविस बनके तैयार है तो 10 से 12 मिनट के अंदर ये सब्जी बनके तैयार हो जाती है। तो ये लीजिए महाराष्ट्रियन स्टाइल ग्रेवी के साथ भिंडी मसाला बनकर तैयार है, खाने में बहुत ही टेस्टी। और इसको हम सर्व करेंगे बारीक कटे हरे धनिए और हरी मिर्च के साथ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।